तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि आईटीआई का जो बहुलंबित एक केस था ग्रेडिंग वाला, आईटीआई ग्रेडिंग का, उसको उन लोगों ने जारी कर दिया। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ और इसके लिए बहुत मेहनत होती है। मैं आपको बता दूँ, पूरे रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि आईटीआई एक्सपर्ट टीम में 10 मेंबर हैं जो हमारे साथ इस लड़ाई में लड़ते हैं। एक बार फिर से थैंक यू बोल दूं कि मध्य प्रदेश से गए थे, इन सब चीज़ों को लेकर के भेजा गया था। वो थे नवीन दुबे जी जबलपुर के, ठीक है, विकास चौधरी जी, और ये सब सपोर्टिंग में थे। इसके बाद जो है तो कुमार देव रंजन जी लगे हुए थे और आपके सुधाकर राव जी लगे हुए थे, दामोदर जी लगे हुए थे, श्रीनिवास जी लगे हुए थे और हमारी टीम जो है तो पूरी लगी हुई थी। तो जब भी लड़ाई लड़ी जाती है उसका नतीजा निकलता है, आप ये देख लीजिए। हाँ, जब कभी कुछ चीज़ें होती हैं तो कार्रवाई अकेले मैं ही झेलता हूँ, बाकी आईटीआई वाले नहीं झेलते हैं। बाकी तो भाई अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, है ना, हमारा काम है दिखाना, ये आप देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। नमस्कार, और देखिए कि जब आईटीआई टास्क फोर्स और उसके एक्सपर्ट टीम जो है तो आवाज़ उठाती है तो क्या होता है। और ये 9 तारीख को आईटीआई की जो ग्रेडिंग का स्कोर है एकेडमिक ईयर 24-25 का, उसको डीजीटी ने जारी कर दिया है। और ये मूर्ति सर को मैं बोल रहा हूँ कि सर कुछ नहीं कह सकता हूँ, माफ़ी ही मांग सकता हूँ आपसे, लेकिन आप जब भी आप काम करते हैं बढ़िया सर, तो मैं काम बोलता हूँ कि आप अच्छा काम करते हैं, जब नहीं करते हैं काम तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका भुक्तभोगी जो परिणाम है वो मेरे ऊपर आएगा और आ भी रहा है। बाकी आईटीआई के ऊपर कोई किसी भी तरह का वो चीज़ें ना आए, ये मेरी जवाबदारी रहती है। क्रेडिट जो है तो इसमें आईटीआई एक्सपर्ट टीम की है, जो आईटीआई के पूरे डायरेक्टर हैं लगभग 10-12 लोग। और इसमें मैंने स्पेशल रूप से मध्य प्रदेश जबलपुर से नवीन दुबे जी को भेजा था, चूँकि जाना जरूरी था, तो उनका विशेष धन्यवाद, कुमार देव रंजन जी का, दामोदर राव जी का और सुधाकर राव जी का, श्रीनिवास जी का, विकास चौधरी, अटूट मेहनत हमारे साथ आप लोगों ने किया और उसका फायदा सभी आईटीआई को मिला, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो वो जरूर जो है तो ग्रीवांसेस करेंगे, ये इस लेटर को पढ़ लीजिएगा। मेरा सिर्फ एक कहना है कि आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाइए, पैसा कमाइए, लेकिन जो पैसा है उसको आप खर्चा ना करिए, उसको आईटीआई अपग्रेड में करिए, क्योंकि अभी जो समय आने वाला है, न्यूज़ दिखाऊंगा तो आपके हाथ पैर कप जाएंगे, आपको पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ेगी और अपने आईटीआई को अपडेट करना पड़ेगा। वीरेश सिंह को या वीरेश सिंह की टीम को पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम क्रेडिट नहीं लेते हैं, हमारे साथ आईटीआई के डायरेक्टर हैं, वो सारी चीज़ें करते रहते हैं, है ना। तो ये लड़ाई हमारे ये 10 लोगों की थी, मैं बाकी को नाम नहीं लूँगा, सिर्फ 10 लोग, ये 10 लोगों की क्रेडिट है और जा करके ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब मूर्ति सर को धन्यवाद भी मैं बोल रहा हूँ, एक दो दिन मैंने कुछ कड़वे शब्द बोल दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन जब आप काम करते हो सर, करते हो, मैं अच्छा बोलता हूँ, बहुत अच्छा काम किया और आपने सुना मेरा और सुन करके ये बहुत बड़ा जो है तो काम किया। अब पैसा कमाए आईटीआई वाले, है ना, और गाली वीरेश सिंह और वीरेश सिंह की टीम, सुने, बैक टू स्टूडियो। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे कहने ये आया हूँ कि आप लोगों को ऊपर जो है ना खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, सो बन गया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं अभी दिखाने के लिए, मैं कोशिश करूँगा कि एक दो दिन में दिखा दूँ। तो जो आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से पैसा कमाए ना, वो पैसे को उड़ाइए नहीं, वो अपने आईटीआई में लगाइए, बहुत मेहनत करके। मैं, आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं, बहुत मेहनत लेकर के ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको दिलवाई गई थी, मैं कितना लगा था मैं जानता था, पैसा और मेहनत मेरी जाती है और कमाई आप लोग करते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए कि आईटीआई अगर अच्छी चलानी है तो इसका जो पैसा जा रहा है तो आईटीआई में लगाइएगा, नहीं तो आईटीआई आप अगले बार एडमिशन नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ लिखित में दे रहा हूं। और मेरा जो काम है अवेयरनेस का, वो मैं अवेयरनेस का काम कर रहा हूं। लोग जितना नेतागिरी करने को हो, जो नेतागिरी करते रहे, जो यूट्यूबर हैं, जो और बाकी हैं, किसी की बात ना आज तक डीजीटी सुनी है, ना सुनती है, ना करती है, है ना, सिर्फ एक छलावा है, करते जाइए, नोटिस आ गई है, ये सब दुनिया भर की चीजें, आप करते जाइए, दिखाते जाइए, क्रेडिट लेते जाइए।
आईटीआई टैक्सो क्रेडिट नहीं लेता है। आईटीआई टैक्सो सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय और सबसे तेज चीज को दिखाता है, और जो कहता है आईटीआई टैक्सो वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो जो इसमें कथा कथित कुछ लोग हैं वो अब भ्रम फैलाएंगे या जो कुछ करेंगे या पैसा रुपया भी कमाने के लिए भी बीच में करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों में मत फंसा करिए। ग्रेडिंग में हो रही थी ना, बहुत बड़ी शिकायत आई थी, खासतौर से राजस्थान से आई थी कि वहाँ जो है तो पैसा लेकर के ग्रेडिंग बढ़वाई जा रही है। तो मैंने बोला था, सो अगर देखते मैंने बोला था कि चिंता मत करिए, है ना, सबके मुँह पर तमाचा लगेगी और ग्रेडिंग आईटीआई टैक्सो ही करवाएगी और टीम करवाएगी, बाकी कोई नहीं करवाएगा। तो ये ग्रेडिंग आ गई है, खूब पैसा कमाइए लेकिन अपने आईटीआई में लगाइए। अगर अपने आईटीआई में आप नहीं लगाओगे तो मैं ही आपके लिए सबसे बड़ा वो हो जाऊंगा, काल हो जाऊंगा, ये मैं बता दे रहा हूं। आप पैसा कमाए हो तो वो पैसा आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, आपके बेहतरी के लिए बोल रहा हूं। उसका आप यूज सिर्फ आईटीआई के अपने बेहतरी के लिए करिए, गाड़ी और मौज मस्ती के लिए मत करिए। आप वही आईटीआई चलेगी जिस आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब सही रहेगा, नहीं तो मैं दिखाना चालू करूंगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। ये मैं चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि जो पीछे मैं मेहनत कर रहा हूं ना उस मेहनत को मैं जायज नहीं करने दूंगा, और खास तौर से फर्जी चीजों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा। अभी जो न्यूज दिखाऊंगा तो आप लोग देखिएगा कि क्या हो जाएगा, एक दो दिन वेट करिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, आपके हित के लिए बोल रहा हूं कि जो पैसा आ रहा है वो अपने आईटीआई में लगाइए, बेहतर आईटीआई करिए, मौज मस्ती के लिए ना करिए, है ना। चलिए, और अभी और भी खुलासे होंगे, तो चलिए ग्रेडिंग वाला देख लीजिएगा और अगर कुछ है तो ग्रीवांसेस करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डिजिटल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर वन, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर टू, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर थ्री, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों, एमआरपी से 78% कम, सिर्फ ₹149 में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063703603 पर।